हेलो फ्रेंड दिस इज अजय विथ बी वी फन लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि आप अपने एम्प्लॉय का डिटेल कैसे ऐड कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं साथ में अगर किसी का लिस्ट मुझे देखना है सारी एम्प्लॉय का लिस्ट देखना है तो हम उसका एम्प्लॉय का लिस्ट भी देख सकते हैं और सारी डिटेल भी देख सकते हैं एम्प्लॉय डिटेल आज हमने इस वीडियो में डाला क्या है इसमें इनका पर्सनल डिटेल डाला सैलरी सैलरी एंड बैंक डिटेल को भी ऐड किया है एक अदर में इसमें एक यूनिक चीज ये है कि आप किसी का भी चेंज करेंगे डायरेक्ट ये एक ही बार में आपके सारे डिटेल चेंज हो जाएंगे जिसका भी है अगर यहाँ पे आप साक्ष का करना चाहते हैं तो पर्सनल प्रस, डिटेल में आपको साक्ष्य सिंह का डिटेल आएगा साथ में आप यहाँ पे जिसका भी चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हुआ है कि इसमें हमने फोटो को भी ऐड किया है कि आप फोटो को ऐड कैसे कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट सिलेक्शन आपके फोटो भी अपडेट हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आज के वीडियो में हम दिखाने वाले हैं और एक दूसरा एक थी इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ये बार बार आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है हमने इतने सारे फील्ड बनाए हैं हमने पर्सनल डिटेल में लगभग 10 से 12 टेक्स्ट फील्ड हमने बढ़ाए हैं सैलरी एंड बैंक डिटेल में हमने आठ बढ़ाए हैं बट हमने कोड में कुछ ज़्यादा चेंजेस हम नहीं करेंगे हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट uh, कोड है जिसमें मैंने इतने सारे डिटेल को जस्ट एक सिंपल सा चेंजिंग से हमने इसे पूरा का पूरा कोड एक ही साथ एक ही साथ एक ही बटन में हमने इसे इन्वेल्ड किया है तो हम कैसे किए हैं तो उसके लिए बात करते हैं तो होपफुल्ली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए चलते हैं हम इसे कैसे बनाए हैं इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैं आपको एक चीज एक ट्रिक बता देता हूं इसका जो एक मेन ट्रिक है कि जो आप देख रहे हैं आप भीवीए भी में चलेंगे यहाँ पे इम्प्लाई मैनेजमेंट में जैसे आप देखिए ये कितने नंबर रो तक था ये नाइन नंबर इसका नाम जो है इम्प्लाई नाइन है और इसके बाद का जो ये टैब मैंने बनाया है इसका नाम मैंने चेंज किया है इम्प्लाई टेन अलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी उसी तरह सैलरी एंड बैंक डिटेल में ट्वेंटी वन से स्टार्ट हुआ और ये यानी एक सीरियल नंबर से हमने इसे इंक्रीज किया है और जिस तरह यहाँ सीरियल नंबर से इंक्रीज किया है जैसे ये नौ था नौ के बाद हमारा क्या आ रहा है फादर नेम दस में एड्रेस वन ग्यारह में उसी तरह हमने अपने डाटा सीट में भी चेंज किया है कि आप देखेंगे इसका जो कॉलम नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ तक कल लास्ट के वीडियो में आपने देखा था आज के वीडियो में जो हमने किया कि दस में फादर नेम ग्यारह में एड्रेस वन बारह में एड्रेस टू उसी सीरियल से यानी सीरियल नंबर से हमने इसमें डाटा को ऐड कर दिया है अब डाटा को ऐड करने के बाद हम अब हम क्या करेंगे आप चलेंगे कोड में और सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें करना है कि जब हम इसको रन करें तो जब हम इसे रन करें तो जैसे यहाँ अजय कुमार कर रहे हैं तो हमारा सैलरी डिटेल भी अपडेट हो जाना चाहिए पर्सनल डिटेल भी शो होना शुरू हो जाना चाहिए और डिटेल भी शो होना शुरू हो जाना चाहिए तो चलिए इसे हम कैसे बनाए हैं इस पे बात करते हैं तो इसमें हम करेंगे क्या कि इसके में चलेंगे और इम्प्लॉय मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे हम इस पे चलते हैं कि लोड पे कि लोड जब हम करें तो हमारा क्या हो तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है इसका लास्ट रो देखिए इसका लास्ट नंबर कितना है 28 तक है साथ में हमने एक चीज और ऐड किया है इसमें आप देखेंगे कि यहां पे फोटो भी है तो फोटो तो यहां डिस्प्ले हो जाएगा लेकिन उसे स्टोर करने के लिए हमें कोई फील्ड चाहिए तो हमने एक फील्ड बनाया है वो आप फील्ड देखेंगे यहां पे मैंने इसे बना रखा है ये टेक्स्ट बॉक्स एम्प्लॉय ट्वेंटी नाइन के नाम से जो आप यहां पे सीट में भी आप देखेंगे सबसे लास्ट में इस कॉलम में ट्वेंटी नाइन में इसका अगर कॉलम नंबर निकालेंगे कॉलम तो ये थर्टी थ्री नंबर है इसमें से अगर माइनस फोर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी नाइन हो जाएगा तो ये एक तरह से ट्वेंटी नाइन है चार मैंने माइनस क्यों किया क्योंकि इधर देखेंगे चार रो मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है राइट right? तो इसीलिए ये ट्वेंटी नाइन तक इसका लास्ट कॉलम हुआ तो अब आप चलेंगे इसमें और इसका नाम मैंने रखा टेक्स्ट बॉक टू इसका नाम आप देखेंगे इम्प्लॉड सॉरी इसका नाम जो है वो इम्प्लॉ टी नाइन है यानी जब लूप चलेगा तो ये सभी का डाटा एक ही सेव अपडेट पे हमारा सारा का सारा डाटा सेव होगा अपडेट होगा और व्यू होगा तो सबसे पहले हम व्यू पे चलते हैं व्यू में क्या करना है यहाँ पे कुछ नहीं करना है जस्ट हमें यहाँ पे नाइन की जगह पे ट्वेंटी नाइन कर देना है अब आप इसे रन करके देखिए आपका कोड काम करना शुरू कर देगा जैसे ही आप यहाँ जाए कुमार करेंगे आप यहाँ पे देखिए फोटो भी आ गया ये डिटेल भी फिल हो गया सैलरी डिटेल भी फिल हो गया हम फॉर्मेट पे इसलिए ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि फॉर्मेट एक बार हमने बता दिया है कि कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं और कैसे सेट करते हैं इसे क्योंकि हम इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं हम मेन कोड पे टाइम देना चाह रहे हैं कि कोड किस तरह से हमने लिखा है कितना यूनिक तरीके से कितना ही कितना शॉर्ट तरीका करके और ये हमारा अपडेट हो गया तो जस्ट आपने क्या देखा हमने कोड में क्या चेंज किया हमने कोड में केवल चेंज किया ट्वेंटी नाइन अब मुझे करना है क्या किस में इम्प्लॉय नेम बटन में भी ट्वेंटी नाइन कर देंगे क्योंकि जब हम इसे रन करें जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करें जैसे यहाँ मान लीजिए की अजय कुमार कर दी तो आप देखेंगे सभी में डाटा भर गया सभी डाटा भरे हुए हैं लेकिन जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सभी क्लियर कर देगा यहाँ तक देखेंगे कि इसे भी क्लियर कर रहा है यहाँ भी क्लियर हो गया ये सारे क्लियर हो गए तो इसके लिए हमने क्या किया जस्ट एक कोड डाला जस्ट हमने एक इसे यहाँ पे केवल बढ़ा दी। अब उसी तरह सेब में चलेंगे तो इम्प्लॉज सेब में क्या करेंगे हम यहाँ पे टू डाल देंगे केवल ट्वेंटी तक ये लूप चलेगा जो ये नाइन तक चल रहा था यह अब 29 टाइम चलेगा उसके बाद अपडेट बटन पे चलते हैं तो अपडेट बटन पे हम यहां टू कर देते हैं अब आप इसे रन कीजिएगा आप इसे रन कीजिए यहां पे अजय कुमार हमने कर दिया पर्सनल डिटेल आ गए चलिए इनका ऐड है मैं एस राज पे यहां पे आधार नंबर डाल देता हूं कुछ और मैं इसे अपडेट कर रहा हूं इसका सैलरी डिटेल यहां ऐड किया हुआ है हम इसे अपडेट करते हैं तो आप देखेंगे यहां पे यह अपडेट हो गया है लेकिन इसमें एक Error आ रहा है इस सीट में आप देखेंगे तो वही चीज है देखिए ये टेक्स्ट में आ गया नंबर में नहीं आ रहा है अपडेट तो हो गया डाटा लेकिन यहाँ पे ये नंबर में नहीं आ रहा है ये टेक्स्ट में में आ रहा है तो इसके इसके लिए हम हम क्या करेंगे कोड चलेंगे चलेंगे अपडेट बटन पे यहाँ पर एक कोड लिखेंगे इफ मी डॉट ए एम पी एंड डाटा कॉल यहाँ पे करेंगे इस न्यूमेडी और इसे देन अगर ये नंबर हो जैसे कि हमारा जो ये यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कहा कि अगर ये जो भी नंबर टेक्स्ट बॉक्स है उसका वैल्यू अगर उसमें नंबर डाला हो नंबर डाला हो तो क्या होगा तो यहां पे अपडेट बटन में चलेंगे यहां पे लिखेंगे इफ इज न्यूमेरिक मी employee column एंड डाटा देन यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे कॉपी इसको करेंगे और यहाँ डालेंगे भी और साथ में यहाँ करेंगे इल्स और यहाँ कर देंगे इंडी अब इसमें करना क्या है यहाँ पे जस्ट मुझे भैलू कर देना है कि भैल भैल और इसे क्लोज कर देंगे राइट right. तो ये हमारा क्या हो गया अब हम जब इसे सेव अपडेट करेंगे इसे रन कीजिए और यहाँ पे हमने इनका चेक किया है जिनका यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट में है लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट करेंगे इनका जैसे ही अपडेट करेंगे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा राइट right. अब एक जगह और मुझे चेंज करना होगा कहाँ चेंज करना होगा तो वो मुझे अब सेव में करना होगा सेव में हम क्या करेंगे यहाँ पे चलेंगे और सेव वाले में जहाँ पे हमारा सेव बटन है इम्प्लॉज सेव बटन में इसे भी यहाँ पे भी हमें वही इज न्यूमेरिक का फंक्शन यूज करना पड़ेगा इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इफ इज न्यूमेरिक मी emp, एम पी ई एम पी एंड डाटा कॉल देन क्या होगा हमारा इसकी वैल्यू जो है ये भैल हो जाएगा वैल्यू लेंगे हम इसका और इल्स इल्स जो वैल्यू है वो केवल टेक्स्ट वैल्यू जो रहेगा वो टेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा अब आप इसे रन करेंगे हम यहाँ पे कोई नया ऐड अगर करते हैं हम जैसे यहाँ देखिए अजय कुमार हमने किया यहाँ पे आप देखेंगे सभी डिटेल ऐड है लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऐड न्यू किया सारा क्लियर हुआ अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं एक नया नाम मदन सिंह डेजिग्नेशन मैनेजर प्रोणाम और हम इसे सेव कर देते हैं क्या इरड़ आया इरड़ ये आया हमने ये गलत कॉपी किया यहाँ पे हमें करना है लास्ट एवेल रो लास्ट एवेल रो रन करेंगे आप देखिए यहाँ पे एक नया ऐड हो गया होगा आप सो ऑल में जाएंगे यहाँ देखिए मदन सिंह आपका एड हो अगर मुझे कोई इसका फोटो अपडेट करना है एड पिक्चर करेंगे तो ऐड पिक्चर के लिए हमें कोड लिखना होगा तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे एक बना रखा है पिक्चर के लिए इम्प्लॉय ट्वेंटी नाइन के नाम से अब यहाँ पे हम जाएंगे और इसमें कोड लिखेंगे हम सबसे पहले हम कोड लिखना चाहते हैं कि जब कम से कम नाम जो है ना वो फील होना चाहिए तो यहाँ पे लिखेंगे इफ मी डॉट ई एम पी टू इजक्वल टू एम पीटी देन एग्जिट सब राइट या हम यहां करते हैं एग्जिट सब नहीं देते हैं हम ये लिखते हैं नॉट इक्वल टू देन यहाँ पे इंडिफ कर देंगे यहाँ पे एक लिखेंगे फाइल नेम इक्वल टू अपलिकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ फाइल नेम इक्वल टू फॉल्स देन एग्जिट सब यानी अगर आप सिलेक्ट नहीं करते हैं कोई भी नंबर तो वो एग्जिट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद यहाँ पे करेंगे मी डॉट इमेज वन डॉट पिक्चर equal टू यहाँ पे लोड पिक्चर करेंगे लोड पिक्चर और यहाँ दे देंगे तो हमारे पिक्चर को लोड कर लेगा ये राइट right? अब जब ये लोड कर लेगा तो क्या होगा लोड करने के साथ साथ हम चाहते हैं कि ये जो जो भी फाइल पाथ हो वो इसमें सेव हो जाए तो हम यहाँ लिखेंगे मी डॉट ईम पी ट्वेंटी नाइन इज्कवल टू फाइल नेम राइट और यहाँ पे हम कर देंगे इंडिफ हमारा इंडिफ हो गया अब आप यहाँ पे चलेंगे और जैसे ही इसे आप रन करेंगे तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे नहीं यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं इल्स करके जिससे कि हमें थोड़ा इल्स मैसेज बॉक्स प्लीज सेलेक्ट करेक्ट इम्प्लॉय वो क्या क्यों नहीं खुल रहा था क्योंकि जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे थे तो ये ब्लैंक था जैसे आप करेंगे तो कहेगा प्लीज सेलेक्ट करेक्ट इम्प्लॉय तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐड पिक्चर जब करेंगे इसमें एक ईर है इरर क्या आएगा ये पी नहीं लेता है ये जेपीजी जैसे यहाँ मैंने इस फाइल को जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे एक एकर आ जाएगा तो इस इरर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे ऑन ईरर गो टू गो टू इन वेलिड इमेज और यहाँ पे हम इन डेफ के बाद करेंगे इन वेलिड इमेज और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज बॉक्स प्लीज सेलेक्ट जे जी और बीट मैप फोटो पिक इमेज अब क्या होगा कि अगर कोई इमेज होगा तो यहाँ आ जाएगा और हमें बताएगा कि आप या तो जेपीजी डाल सकते हो या बीट मैप का डाल सकते हो उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे फाइल नेम के बाद एग्जिट सब कि अगर फाइल अगर सही मिल गया यहाँ बंद कर देते हैं इसे अगर ये फाइल अगर ये फाइल इसे मिल गया तो ये इमेज को यहाँ पे डाल देगा हमारे बॉक्स में डाल देगा और हमारे टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे डाल देगा साथ में ये यह यहाँ से बाहर आ जाएगा क्योंकि फिर इसे यहाँ रन करने की जरूरत नहीं है तो अब इसे हम रन करते हैं जैसे ही आप रन किए तो पहले तो सिलेक्ट करना होगा एक सेकेंड एक चीज और यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको एग्जिट सब करना होगा कि अगर फाइल सही नहीं है तो बाहर आ जाओ राइट अब तो आप इसे रन करेंगे जैसे ही रन करें तो कराए प्लीज सिलेक्ट करेक्ट इंप्लाई तो यहाँ पे जाएंगे हम मान लीजिए साक्ष्य सिंह करते हैं जैसे ही सिलेक्ट करते हैं मान लीजिए कि कोई हम PNG फाइल हम ले रहे हैं ये PNG फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो कराए प्लीज सिलेक्ट JPG और बीट मैप इमेज राइट right. ओके okay. और ये बाहर आ जाए लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर कोई सही फाइल लेते हैं तो ये इसे यहाँ लोड कर देगा और इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देगा राइट right. अब इसके बाद मुझे और क्या करना है और मुझे करना है कि जब आप देख रहे हैं कि जब हम इसे रन कर रहे हैं जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे जब हम यहाँ पे फोटो डाल रहे हैं कोई भी देखिए हमने यहाँ चेंज तो कर दिया था मदन मतलब सिंह में मैंने फोटो नहीं डाला फोटो तो डाल दिया था मान लीजिए कि मैं अपना फोटो ही डाल देता हूं और इसको अपडेट नहीं किया अपडेट नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगा हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा अब आप अपडेट करेंगे तो अब दोबारा इस पे जाएंगे तो ये फोटो आ जाएगा और जिस पे फोटो नहीं होगा उस पर नहीं आएगा राइट अब उसके साथ हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ सेलेक्ट करें तो इसमें फोटो ऑटोमेटिक आ जाए तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो ये हो कैसे रहा है जब इसमें जाएंगे तो लास्ट में एक ये लाइन जोड़ दिया मैंने कि मी डॉट इमेज वन पिक्चर इज टू लोड पिक्चर मी डॉट इम्प्लॉ ट्वेंटी नाइन यानी ये या पिक्चर जो भी पाथ होगा जो भी हमारा इस बॉक्स में इस बॉक्स में जो भी पाथ दिया गया होगा इमेज के जो पाथ होगा उसको वो यहाँ पे लोड कर देगा इस वाले में राइट तो इसी के साथ ये हमारा सारे के सारे डाटा एक ही क्लिक पे ऐड हो रहे हैं साथ में अब एक काम और कीजिए इससे हाइड कर देते हैं इस बॉक्स को हम हाइड कर देते हैं अब हमारा ये बॉक्स दिखाई नहीं देगा और हमारा इम्प्लॉइड मैनेजमेंट पार्ट फोर कंप्लीट हो गया इसमें अब आपने देखा कि पर्सनल डिटेल सैलरी डिटेल जस्ट एक सिंगल क्लिक पे हमें सारा का सारा कोई कोड हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी और एक अप्लीकेशन कम्प्लीट एप्लीकेशन बन गया अब इससे आप जिस तरह चाहे जितने फील्ड चाहे आप बढ़ा सकते हैं तो ये है लूप का मैजिक और एड फोटो ऐड करने के लिए हमने आपको बता दिया यह सिंपल सा फॉर्मूला है एक लाइन का कोड हमने यहाँ यूज किया है आप देखेंगे मेन जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए वो मैंने एक लाइन का कोड यूज किया है फाइल नेम इजल टू अप्लीकेशन डॉट गेट ओपन फाइल नेम राइट और बाकी सब यहाँ पे कंडीशन है कि किस केस में वो ऐड होंगे और किस केस में ऐड नहीं होंगे तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज अगर आपके कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे और इस वीडियो को लाइक like, शेयर जरूर करें और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले इसी के साथ Thank you.